हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग द चहान फैमिली में आप सबका स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 बज गए और बारात आ गई है। कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि कल भात की रस्म हुई थी, मतलब भात देने की रस्म, और उस ब्लॉग को मैंने वहीं पर ही एंड कर दिया था क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी जा रही थी। तो मैंने कहा चलो दूसरी वीडियो नए सिरे से स्टार्ट करते हैं जब बारात आ जाएगी तब। और अभी बारात आ गई है, मतलब पहुंचने वाली है उनके द्वार तक, लड़की वालों के द्वार तक पहुंचने वाली है। और मम्मी तैयार हो चुकी है जाने के लिए और मैंने ना सूट बदल के शरारा डाल दिया है। तो हम अपना पूरा लुक दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, मम्मी ने पहनी साड़ी और मैंने पहना शरारा। तो कमेंट करके बताइएगा कि हम कैसे लग रहे हैं। तो थोड़ा सिनेमेटिक टाइप की वीडियो बनाते हैं, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं कुछ नया, तो इसलिए मैंने थोड़ा स्लो मोशन में दिखाया है। तो चलिए दिखाते हैं फिर आपको। और अब होगी उनकी गेट ग्राही की रस्म। और भी उनकी अलग अलग रस्में होती हैं, मतलब अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो उन्हें दिखाते हैं आपको। तो तैयार होते हैं फटाफट से, मैं अपनी सैंडल पहनती हूँ तब चलते हैं। पापा जी भी आ गए हैं। तो ये देखिए, हम आ गए हैं शादी वाले घर में। तो अभी बारात थोड़ा सा दूर है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ आने में। तो इतना मैंने सोचा कि चलो दुल्हन से मिल के आते हैं, वो पार्लर से आ गई है। तो ये देखिए हमारी दुल्हन बैठी हुई है। तो चलिए इनका पूरा लुक दिखाते हैं। दुल्हन से मिलने के बाद हम फिर से आ गए हैं बाहर, क्योंकि अब बारात आ ही गई है बस। तो ये सब तैयार हो गए हैं गेट घिराई की रस्म के लिए, और अब दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो। और पहले गेट घिराई की रस्म मतलब दुल्हन की बहन करती हैं, और उसके बाद दुल्हन की बुआ दूल्हे की आरती उतारती हैं। तो इनके यहाँ ये रस्म होती है। तो चलिए ये भी दिखाते हैं आपको।
तो गेट गिराई की सारी रस्में होने के बाद अब होने जा रही है दुल्हन की एंट्री जयमाला के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको जयमाला। सखियां ने सजना है, मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे, आज सजया है वे सारा शहर, सारा शहर आज हो गई आवे रब दी मैं, रब दी हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गया वे रब दी चिट्टा कुकड़ बने रे ते, चिट्टा कुकड़ बने रे ते, काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सद के ते, काश पूछ रही है रंगो मेरे चैन नहीं है, कितने लड़ाइया तो अखियां कितने लड़ाइया, कैसे तुझको मैं बता रहा है तेरी तक दे जाऊ नी ना चुराइया तो मेरी आने ना चुराइया, वे जी बोले है जान मियां सुन ले चलो कासा बढ़ती रहे प्यार होता रहे, आज से आगे कदमों से आगे कदमों से आगे, आँखों पे मोहब्बत लिख दे, सांसों पे मोहब्बत लिख दे, होठों पे मोहब्बत लिख दे, कहता है दिल दीवाना वाली मंगा सत के दे दे दे।
तो जयमाला के बाद हो रहा है दुल्हन का फ़ोटोशूट, तो यहाँ पर उनका फ़ोटोशूट चल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा आपको फ़ोटोशूट की वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद होंगे फेरे। और दुल्हन का फ़ोटोशूट होने के बाद अब दूल्हा दुल्हन बैठ गए हैं वेदी में, जहाँ पर मंगल फेरे होंगे, सिंदूर दान और मंगलसूत्र पहनाने की रस्म होगी। तो अभी तो दुल्हन के मम्मी पापा दूल्हा दुल्हन के हाथ पीले कर रहे हैं, मतलब हल्दी लगा रहे हैं, तो वो रस्म चल रही है। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे। तो अभी बज गए हैं 7:15 और मैं घर आ गई थी। फिर मैंने शरारा चेंज किया और सूट डाल लिया, क्योंकि शरारे में बहुत गर्मी हो रही थी और आज बहुत गर्मी भी हो रही है ना, इस वजह से। तो अब वहाँ फेरे हो रहे होंगे, हाँ मतलब वेदी में बैठ गए थे दूल्हा दुल्हन और अब होंगे फेरे और तब विदाई होगी। तो चलिए फिर से चलते हैं उनके घर और आपको फेरे और बाकी की रस्में दिखाते हैं। तो जब मैं घर से आई तो ना 2 फेरे हो गए थे और बाकी 5 फेरे बचे हुए थे, तो सही टाइम भाई मैंने 2 ही फेरे मिस किए। तो चलिए देखते हैं मंगल फेरे और अब होगी सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने वाली रस्म। तो चलिए पहले फेरे देखते हैं, फिर बाकी की और रस्में भी आपको दिखाते हैं। है सुनो
भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। और फेरों की रस्म के बाद अब उन्हें दूल्हा दुल्हन को ले आए हैं अंदर कमरे में, और यहाँ पर जो रस्म हो रही है उसका नाम है दुधा भाती। हाँ, मैंने मतलब चाची पूछा तो उन्होंने कहा दुधा भाती है इस रस्म का नाम। तो मैंने रस्म में देखा कि इसमें ना भाभी जो होती है मतलब दुल्हन की भाभी, तो दूल्हा दुल्हन को मीठा खिलाती है कुछ, और उसके बदले में दूल्हे से नेक लेते हैं। तो यहाँ पे वही रस्म चल रही थी, थोड़ा हंसी मजाक चल रहा था, तो चलिए आपको वही दिखाते हैं। और ये रस्म मैंने पहली बार देखी है, तो आप में से किस किसने पहले से ही देख रखी थी वो कमेंट करके बताइएगा, और कैसी लगी आज की वीडियो ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो। देखेंगे छोटे छोटे तुम्हारे साले कैसे देख रहे हैं, इनकी भी देख लियो, इनकी देख लियो। पूरे कर दो ना, बस बोले वाले का दोनों कहाँ खड़ा है, का दोनों खड़ा है, एक ही देखो आप वो बोले वाले का देख रहे हैं। दीदी वो मस्ती ले बगेल रही मैं ले ना बोले से कोई मोटा है ना और बोले से जानना कल के रख दूँ थोड़े मना सुन रही हूँ फुल लोग जा हराया हो जा रहे हैं तो तुम्हारे साथ में तुम्हारे भी बराबर चला रही सब कर दो दाना ला दे किस बरत कर रहा है कुछ ना आता तुझे अभी सुनने के लिए बोल रही थी पांच बार हो गया क्या पकड़ो ऐसा करके जोर जोर से लगाओ ना लड़का ऐसा ना तो खा लेंगे पायल का तो रोटी भी ना देते करेगी नहीं पायल है फोकी फोकी रोटी दिए करेगी फिर गिन ले कर ले जब आजू पूरे ना हो हाँ जब बता देते नहीं थे पहला हाँ इन्हें बता देते गिन रहे पायल की मदद कर रहे हैं देख जल्दी जल्दी कर दे हाथ साफ करवा रहे हैं ना पानी मंगवा लो भाभी खिला दो पायल रोटी और बैंक में। तो अब सारी रस्में हो गई हैं और अब चल रही है विदाई की तैयारी। तो बस अब शादी का सबसे इमोशनल पार्ट आ गया है विदाई। तो चलिए दिखाते हैं आपको विदाई की रस्म और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बीते सारे मौसम बाबू तेरे घर में अब चले पाओ मेरे दिया के शहर में बीते
बाबू तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। गली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहली सोची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मल्लिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहली विदाई हो गई है। तो बस अभी जस्ट विदाई हुई है, मम्मी भी गई थी विदाई देखने के लिए। तो बस तो ये थी आज की शादी की वीडियो। आज थोड़ी नई नई रस्में देखने को मिली थी। तो आज की ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं जल्दी अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।